मैं आज बंगाल के साथ, बंगाल की जनता के साथ जन संवाद का ये जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम में सबसे पहले बंगाल की पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं। देश में 75 से ज्यादा वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता और देश भर के कार्यकर्ताओं का जो संपर्क करने का हमने अभियान चलाया है, वो अभियान जरूर आने वाले दिनों में अपनी असर दिखेगा। जब लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई है, लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाई है, एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां आज भी राजनीतिक हिंसा का कारोबार चल रहा है। हमने आह्वान किया था बंगाल की जनता को कि आप मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, और मुझे बहुत आनंद है, बहुत विशेष आनंद है कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की अपील को स्वीकार करते हुए 42 में से 18 सीटें देकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने सबसे पहले 60 करोड़ गरीबों के घर में, जिनके पूरे परिवार के पास बैंक अकाउंट नहीं था, उसके घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया, और ये जनधन योजना के माध्यम से बैंक अकाउंट पहुंचाया। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया मोदी जी ने सीधा डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। अगर बीमारी आ जाती है तो ईश्वर ही मालिक होता था, परंतु जब मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, 50 करोड़ भारतीयों के जीवन में एक नया उजाला आया। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है, और मुझे कहते हुए आनंद है 3 साल से कम समय के अंदर लगभग 1 करोड़ भारतीयों ने अपने ऑपरेशन इस योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक कराया है, और एक भी पैसे का खर्चा उनको नहीं लगा है। ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, आयुष्मान भारत योजना से बंगाली क्यों विमुख है? मगर मैं बंगाल वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव समाप्त होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ के 1 ही मिनट के बाद आयुष्मान भारत योजना वहां पर लागू होगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा। मोदी जी ने योजना बनाई सौभाग्य योजना, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन पहुंचा। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय पहुंचाकर ये महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। बंगाल के अंदर 15 लाख लोगों को घर दिया, बंगाल के अंदर 82 लाख लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, 7.5 लाख लोगों को बंगाल के अंदर बिजली दी, और 3.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। ममता जी, हमारा आप हिसाब मांगती हो, मैं तो हिसाब लेकर आया हूं। आप कल जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके 10 साल का हिसाब दीजिएगा, और ध्यान से दीजिएगा, कहीं बम धमाकों की संख्या मत बता दीजिएगा, बंद फैक्ट्रियों की संख्या मत बता दीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी को 2014 में अधिकार दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उरी और पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया, मगर इस बार स्थिति बदल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर अपने जवानों के खून का बदला लेकर अपने नर बांकुरे वीर बांकुरे वापिस आए। मैं आज आपको एक हिंदी की मशहूर कविता दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। मित्रों, कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं आई। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं, और हिंदी में है, मगर मैं मानता हूं कि आप मेरी ये सुंदर कविता किसी कवि की है, इसका अर्थ समझेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पीड़ा का पहाड़ है, वहां से गंगा निकालने की कभी बात कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बंगाल को हम बदलना चाहते हैं, मेरे सीने में ही नहीं,
तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, एक परिवर्तन की आग, आप उसके वाहक बने। बंगाली जनता भारतीय जनता पार्टी के सोनार बांग्ला को अपना स्वप्न बनाए और सोनार बांग्ला के आह्वान के लिए, इसकी रचना के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करें। ना रोज वेली स्कैम होगा, ना शारदा चिटफंड स्कैम होगा, नारदा स्कैम होगा, ना वकफ का घोटाला होगा, ना भतीजा गेट होगा, ना ट्राइडेंट लाइट घोटाला होगा, ना एडमिशन घोटाला होगा। घोटाला और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल देने का काम हम करेंगे। मैं अंत में सभी बंगाल के कार्यकर्ता और बंगाल की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है, देश की पूरी जनता 130 करोड़ लोग स्वदेशी चीजों का, स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करें। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, लोकल का उपयोग करिए, लोकल के लिए वोकल बनिए, और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मविश्वास से जगमगता आत्मनिर्भर भारत बनाइए, मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाइए, और आप सब इकट्ठा होकर एक ऐसा परिवर्तन करिए जो बंगाल को फिर से एक बार भारत का पथदर्शक बनाए। यही आप सब से अभ्यर्थना है। भारत माता की जय।